आपको बता दें, महीने भर की भागदौड़ के बाद रायगढ़ के प्रत्याशियों का शेड्यूल बदला बदला सा नजर आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी वो देर शाम भाजपा कार्यालय में पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर विधानसभा का फीडबैक लिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। इनके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल ने कहा कि खरसिया सीट के साथ साथ जिले की अन्य सीटों में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने और रायगढ़ की जनता जनार्दन ने भाजपा को कमल छाप को आशीर्वाद दिया है, स्पष्ट रूप से सभी को समझ में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के भ्रष्टाचार और माफिया राज से मुक्ति मिलेगी। मतलब आज काफी थकावट है, तो एक आध दिन लगेगा थकावट निकलने। आगे किस तरह से प्लानिंग है, किस तरह से रूटीन? हमारा काम चालू हो जाएगा कल से लगभग वही रूटीन वैसा ही काम शुरू हो जाएगा। आज तो अभी यहाँ कैटे आया हूँ, सीलिंग की व्यवस्था हो रही है, उसके बाद दो तीन मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करूँगा। उसके बाद मैं सोचा हूँ जो भी समय खाली मिलेगा बच्चों के साथ बिताऊंगा।